तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो 2023 का आईपीएल का मैच शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो बेसिकली आज का वीडियो में टिकट का अपडेट के बारे में बताऊंगा, कौन सा नया टिकट आज जो है अपडेट हुआ है एंड टोटल 10 टीम का क्या क्या टिकट अपडेट हुआ है आज। एंड इस बार का आईपीएल में ऐसे भी टीम है कि एक भी टिकट अभी तक आउट नहीं हुआ, साइन अप का प्रोसेस चल रहा है, जिसका ओपन हुआ, सभी मैच का ओपन हुआ कि नहीं, सब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं बुक माई शो में। तो आपको जैसे पता है कि बुक माई शो में तीन ही टीम का टिकट ओपन हुआ है, मुंबई इंडियंस, केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे आईपीएल सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए केकेआर का सबसे पहले देख लेते हैं 2023 का। एंड यहाँ पे चार ही मैच का टिकट ओपन हुआ है, 6 अप्रैल, 14 अप्रैल, 23 एंड 29 अप्रैल का। जैसे अपडेट आएगा नया टिकट ओपन होने का तो आपके पास वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। तो सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस का सबसे पहले टिकट ओपन हुआ था एंड यहाँ पे जो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, 6 टिकट ओपन हुआ है एंड केकेआर के साथ जो टिकट है अभी तक ओपन नहीं हुआ है एंड जो लो प्राइस वाला टिकट है सभी बुक्ड हो गया। तो अभी देख लेते हैं राजस्थान रॉयल्स का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे सिंपल में चला जाऊंगा, राजस्थान रॉयल्स का तीन मैच जो ओपन हुआ था अभी भी तीन मैच है, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल एंड 19 अप्रैल को। दो मैच जो होगा गुवाहाटी में, पे एक जो मैच होगा 19 तारीख का मैच जयपुर में। यहाँ पे नेक्स्ट चलते पेटीएम इंसाइडर पे। तो यहाँ पे देखिए डीसी का अभी भी साइन अप प्रोसेस चल रहा है, जीटी का भी साइन अप प्रोसेस चल रहा है, बाकी जितना भी मैच था, नंबर वन मैच पंजाब का जो होम ग्राउंड पे मैच मोहाली पे, उसके बाद लखनऊ का जो है होम ग्राउंड पे एंड यहाँ पे हैदराबाद का दो मैच ओपन हुआ था। अगेन जीटी का जो है मैच नंबर 13 9 अप्रैल को होने वाला है कोलकाता के साथ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है एंड उसके बाद और एक पंजाब का मोहाली पे एंड यहाँ पे अगेन जीटी का एंड एक जो है डीसी का निकला था। तो वही अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे जो लो प्राइस वाला टिकट है सब कुछ सोल्ड आउट हो गया। तो अभी चलते डायरेक्ट आरसीबी में। तो आरसीबी का टिकट बुक करने के लिए जैसे आपको बताया कि आरसीबी का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। आरसीबी का अनबॉक्सिंग इवेंट है 26 मार्च को, अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे बाय टिकट कर सकते हो, 1600 रुपए वाला टिकट बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो कुछ सीट अवेलेबल है आप बुक कर सकते हो। आरसीबी का जो लोएस्ट प्राइस था 2000 रुपए के ऊपर था, 2700-2200 ऐसे करके था, बट अभी भी है 9000 रुपए वाला टिकट जो है मिल रहा है। अगर आप चाहते हो बुक करने के लिए तो आप यहाँ बुक कर सकते हो, एक दो सीट खाली होगा, आपको जस्ट चेकआउट कर लेना है एंड बुक कर लेना है, बट यहाँ पे प्राइस जो है बहुत हाई है। अगर आप चाहते हो बुक करने के लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डीसी का। डीसी का एक मैच ओपन हुआ था, आप डीसी का वेबसाइट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय टिकट का ऑप्शन हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो 1250 रुपए वाला। एंड उसके बाद चलते चेन्नई में। चेन्नई का अभी भी साइन अप प्रोसेस चल रहा है, कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। तो जैसे आएगा आपके लिए मैं वीडियो बना के दूंगा। केकेआर का वेबसाइट में यहाँ पे कोई भी बाई का ऑप्शन नहीं है एंड यहाँ पे जो भी मैच का शेड्यूल है आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद चलते हैं सनराइज का वेबसाइट में। तो यहाँ पे हैदराबाद का वेबसाइट में आपको जो भी मैच का शेड्यूल दिखाई दे रहा है 2023 का, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑफर मिल रहा है। देखिए अगर आप दो टिकट बाई करते हो तो आपको जो है एक जर्सी फ्री मिलेगा एंड 10,000 टिकट के अंदर अगर आपका टिकट आता है 20% तक ऑफ मिलेगा एंड कैशबैक भी मिलेगा। अगर आप टी शर्ट, कैप कुछ भी खरीदना चाहते हो यहाँ पे फैन मर्चेंडाइज में जाके खरीद सकते हो। तो आप चलते हैं यहाँ पे राजस्थान में। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है राजस्थान का जो वेबसाइट है बहुत ही जबरदस्त है एंड अगर आप टिकट बाई करना चाहते हो अगेन आपको बुक माई शो में लेके जाएगा, जो तीन टिकट अवेलेबल है वही दिखाएगा। लखनऊ में चलते हैं। लखनऊ का भी टिकट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, आप वेबसाइट में जाके भी बुक कर सकते हो या तो फिर पेटीएम इंसाइडर पे जाकर भी बुक कर सकते हो। एंड जीटी के जो होम पेज है यहाँ पे भी आपको टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिलता है या तो फिर आप टाइटन थैम ऐप जो है वहाँ पे जाके भी टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पंजाब में। पंजाब का जो वेबसाइट है इसमें भी आपको टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिलता है, अगर आप बुक करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बुक कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, जैसे कोई नया अपडेट आएगा आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।